पता चल गया। और इसके हाथ में जो ये गुलाल था, ये सिर्फ गुलाल नहीं है, इसमें कांच का चूरा मिक्स किया है इसने। ताकि रचना के चेहरे पर रगड़ रगड़ कर लगाती और सबको लगता कि गुंजन ने रचना को एक बार फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की। गुंजन, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चारू ऐसे क्यों करेगी? रचना उसकी सगी ननद है। अच्छा, तो पूछो इससे कि हूबहू गुंजन जैसे कपड़े क्यों पहने इसने। नहीं नहीं ताई जी, वो हम साड़ी पहन के होली कैसे खेलते, इसीलिए हमने ये कपड़े पहने हैं। और देखिए, हमारे हाथ में ना ही रंग है और ना ही कोई कांच। अच्छा, तो फिर चारू तुमने ग्लव्स क्यों पहने? भाभी झूठ बोल रही हैं। हमने इन्हें रंग में कुछ मिलाते हुए देखा था। कलर से एलर्जी है ना, इसीलिए हमने दस्ताने पहने दवा मिक्स करने के लिए। ओह, तो फिर सिर्फ हाथों पे ही क्यों? अपने पूरे शरीर पे वो दवाई लगाती। हाँ, और तुम्हारा फेस, वो तो और भी ज्यादा सेंसिटिव होगा, राइट? गुंजित, तुम क्या कहना चाहती हो? कि हमने कुछ गड़बड़ की है? हाँ, की है हमने गड़बड़। अब बोलो तुम। जवाब भी है हमारे पास, क्योंकि हम मयंक जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। और तुम हमारे प्यार के बीच में आ रही हो, तभी हमने ये सब किया कि तुम सबकी नजरों में इतनी गिर जाओ कि सब तुम्हें घर से बाहर निकाल फेले। तुम्हारे रहते हुए मयंक जी हमारे कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। मयंक जी को अपना बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मयंक जी सिर्फ हमें जाए, सिर्फ हमें। और तुम्हारे रहते ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। गुंजन, हमने सपने में भी नहीं सोचा था हमारे घर की बहू ऐसी नीच हरकत करेगी। अपने इस काम के लिए तुम दो लोगों का नुकसान करने जा रही थी। हमारे मासूम रचना का चेहरा बिगाड़ने वाली थी तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमें अच्छे से पता है, उस दिन रचना के दूध में भांग की गोली तुम ही ने मिलाई थी ना। हमारी किताब जलाकर क्या मिला? अब हम कैसे पढ़ेंगे? अब तुम हमारे नए जूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। कम से कम खेल को तो खेल की तरह खेलो, चीटिंग तो मत करो। गुंजन के कपड़े पहनकर क्या सोचा तुमने? सबको चकमा दे दोगी? छी, रहने दीजिए मौसी जी, ये सब समझाने बताने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं समझने वाली है। बस शुक्र की बात तो यह है कि रचना को कुछ नहीं हुआ और हमारी होली बेरंग होने से बच गई। मौसी जी, सपने में भी नहीं सोचा था हमारे घर की बहू ऐसी नीच हरकत कर सकती है। वो तो अच्छा हुआ मौसी जी कि डोलू मुझे ढूंढता हुआ आ गया, दरवाजा खोला और उसने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं यहाँ सही वक्त पर पहुंच गई। चारू, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे क्या सोचेंगे सब कि हमने तुम्हें यही सिखाया पढ़ाया है? हाँ? पापा जी तो चाहता है कि एक रख के। अच्छा नहीं किया चारू तुमने, अब कम से कम हमारी नजरों के सामने से चली जाओ तुम अभी और इसी वक्त। पापा, पापा बस गुंजन को नहीं जानते। तुमने सुना नहीं हमने तुम्हें क्या कहा? निकल जाओ वरना हमें किसी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करने के लिए। जाओ यहाँ से। चारू तुम जाती हो या? चारू बेटा, समझ में नहीं आता हम तुमसे क्या करें। तुमसे माफी मांगे या तुम्हारा शुक्रिया अदा करें, दोनों काम करने में हमें शर्म आ रही। हमेशा उंगलियां तुम पर ही उठाई जाती, तुम पर ही शक किया जाता है, इल्जामों की बारिश तुम पर ही बरसाई जाती है। बेटा इस बार तो हम भी तुम्हारे गुनहगार हैं। बेटा हमने भी तुम पर शक किया, बस हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। प्लीज मौसी जी डोंट। रचना, गुंजन, चलो बेटा घर चलो, सब लोग चलो। हाउ कुड शी, ऐसा करने की कोशिश भी कैसे की उसने? अगर कुछ हो जाता तो। ओह गॉड। गुंजन, मौसी जी उस लड़की में जरा सी भी अक्ल है या नहीं? अगर उसकी काली करतूत कामयाब हो जाती तो रचना का क्या हाल होता? उसकी प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो मुझसे मुकाबला करे। और वैसे भी मौसी जी उसकी प्रॉब्लम क्या है वो तो सिर्फ वही जानती है, रचना के पीछे क्यों पड़ी है? अगर रचना को कुछ हो जाता ना तो। शांत हो जाओ बेटा, अब सब ठीक हो गया है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई, और उससे भी अच्छी बात ये है कि तुम्हारे और रचना के बीच में जो कड़वाहट थी अब वो खत्म हो गई। कितना अच्छा लगेगा तुम दोनों बहनों को एक साथ फिर से हंसता खेलता हुआ देख। सच बेटा। हाँ मौसी जी, इन पिछले दिनों मुझ पर क्या गुजरी है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इतने सालों बाद तो मुझे एक बहन मिली थी और चारू ने हमारे बीच में। नहीं बेटा, अब रोने का समय नहीं, हंसने का है। वैसे मौसी जी रचना है कहाँ? हम किस मुंह से गुंजन के पास जाएं? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हमने उससे कितनी कड़वाहट से बात की, चारू भाभी की हर गलती के लिए हम गुंजन को दोषी ठहरा रहे थे, सब भूल गए थे। आपस का प्यार, दोनों की दोस्ती, भरोसा, पता नहीं गुस्से में बेचारी को क्या क्या बोल दिया। लेकिन अब तो सबको सच्चाई मालूम है ना, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी तुम्हें माफ कर देगी। और वैसे भी रचना, गलती तुम्हारी नहीं, उस मंत्रा जैसे चारू की है, शर्म तो उसे आना चाहिए। फिर भी छाया, हम गलत थे, हम भी दूसरों की तरह बहकावे में आ गए थे, और जो हमने गुंजन के साथ किया है उसके लिए तो हम माफी के लायक भी नहीं। तुम एक बार माफी मांग कर तो देखो। कहाँ ना छाया, हिम्मत नहीं बन रही। सच रचना, क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें कितना खुद सहना पड़ा। रचना, चारू बदला मुझसे लेना चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हें अपना निशाना बनाया। हुई खता क्या मैं जानू, और मेरी वजह से कितनी चोट पहुंचाई तुम्हें। रचना, आई एम सॉरी रचना, आई एम रियली रियली सॉरी। गुंजन, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। प्लीज गुंजन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या समझा, और तुम हमसे लड़ी क्यों नहीं, हमें डांटा क्यों नहीं? हाँ, हम उसी के लायक हैं, हमें डांटो। डांटूंगी, बहुत डांटूंगी मैं तुम्हें। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना, तो। और वैसे भी होली के दिन पे आंसू नहीं, रंग बरसने चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट, ये हमारी पहली होली है साथ में, और छाया की भी। पुराना माना हाली है। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क। मम्मा कहती थी कि हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। रचना और मेरी लाइफ में भी आ गई, थैंक यू गॉड। लेकिन इस सुबह में कोई है जिसकी रात में सुबह नहीं आई है, मयंक। गुंजन, आप क्या सोच रहे हो बेटा? मौसी जी, मयंक ठीक है? पता नहीं, इस वक्त अपने कमरे में होगा। ये जो कुछ भी हुआ, इसका सबसे ज्यादा असर तो उस पर ही हुआ होगा ना। चलो। हमारी तो डर के मारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि हम कमरे में कैसे जाएं? आप ही कुछ बताइए ना हमें। हमसे क्या पूछ रही हो? हमें सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और खबरदार अगर हमारा नाम लिया तो। हम इस घर की बहू हैं, हमारा पति और एक बच्चा है। अब यही हमारा घर संसार है। अगर गलती से भी किसी को ये पता चल गया ना कि जाने अनजाने ही से हमने तुम्हारा साथ दिया था तो हमारी खैर नहीं। वाह दीदी, लड्डू मिले तो आधा आधा और मिर्ची मिली तो मुंह फेर लिया। आप इस घर से नहीं निकल सकती और हम क्यों जाएंगे घर छोड़ के? हमारे मयंक जी यहीं हैं और भूलिए मत, हमारे मम्मी पापा ने आप पे और इस शादी पे बहुत पैसा खर्चा है, तो इसलिए याद रखिए आप हमारी बहन हैं और आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं, चेतावनी है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम घर में सबको बता देंगे कि आप भी हमारे प्लान में शामिल थी। क्यों चारू, तुमने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? तुमने हमसे वादा किया था ना कि रचना को कोई नुकसान नहीं होगा। अभी आप सिर्फ अपने नुकसान की सोचिए। जाइए और अपने कमरे में तब आइएगा जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जाइए, खड़ी क्या है यहाँ पर अब? देख लिया अपनी मेहनत का अंजाम? बहू के नाम पर क्या नगीना ढूंढ कर लाई हो तुम? गलती किससे नहीं होती है। अच्छा, ना तो तुम इतनी भोली हो और ना ही इतनी अनजान। भाई साहब के सामने जाकर अब मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। अभी सोचा है, रचना बेटी को अगर कुछ हो जाता तो? आपको जो कहना है ना आप हमें कह लीजिए, पर अपना फर्ज तो निभाइए। जाकर समझाइए अपने बेटे को। इस तरह से कमरे में बंद रहकर उन्हें से रिश्ता नाता तोड़कर कुछ नहीं होने वाला है उसका। तुम्हारी फर्ज का क्या? जाकर भाभी से तुम्हारी बहू की करतूत की माफी मांगो तुम। सब हम ही को समझाना पड़ेगा। अभी गुस्से में लग रहे थे। तुम्हारी बहन ने काम ही ऐसा किया है, कौन गुस्सा नहीं होगा? घर में आया अभी उसे 4 दिन नहीं हुए और ऐसे से उल्टे सीधे काम करने पर लगी है। ये क्या दीदी, आप भी चारू को ही गलत समझ रही हैं। आप भी धोखा खा गई। अगर मयंक चारू को पति जैसा प्यार देता तो वो बेचारी नई नवेली दुल्हन ऐसे क्यों करती? आप भी एक औरत है दीदी, आप समझ सकती हैं। अगर आपके पति, हमारा मतलब है अगर गोपाल जी किसी और औरत की तरफ नजर उठा के भी देख लेना दीदी, तो हम उनसे इतना झगड़ते कि पूछिए मत। और फिर मयंक और गुंजन, उनका तो एक अच्छा खासा इतिहास रहा है दीदी, पूरी की पूरी लव स्टोरी। हम ये नहीं कहते दीदी कि मयंक की ही गलती है। हम जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता। और बेचारा मयंक भूले भी तो कैसे? वो लड़की गुंजन सारा टाइम उसके सामने घूमती रहती है दीदी। जो हो गया सो हो गया, बस मयंक को जाके समझा दीजिए। चारू बहुत डरी हुई है। आप माँ है ना? माँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। बेटा, बात को समझने की कोशिश। माँ, मैंने कहा ना, मुझे ना किसी की कोई बात सुननी है और ना किसी से कोई बात करनी है। और आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती ना? फाइन, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ।